बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। इन्हीं नेमतों का इस्तेमाल करते हुए आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन शवारमा। तो वीडियो को आगे देखने से पहले मेरे चैनल निदा पीके पकवान को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। आए हम आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। चिकन शवारमा बनाने के लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन, पीटा ब्रेड, चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, मायोनीज, केचप, वेजिटेबल, नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, दड़ी मिर्च, किंग ऑयल, हल्दी और बटर पेपर। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए बाउल। हमने बोनलेस चिकन लिया और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। चिकन को बाउल में डाल लें। और चिकन में एक खाने का चम्मच सिरका, एक खाने का चम्मच चिली सॉस, एक खाने का चम्मच सोया सॉस, एक खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, एक खाने का चम्मच दड़ी मिर्च पाउडर, एक खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक हसबे जायका, एक खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और आधा खाने का चम्मच काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप चिकन में अपने टेस्ट के मुताबिक और भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। सब मसालों से चिकन में फ्लेवर और जायका बहुत मजेदार आता है। चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखते हैं। सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप मायोनीज। मायोनीज में हम डालेंगे आधा खाने का चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा खाने का चम्मच दड़ी मिर्च पाउडर और हसबे जायका नमक। नमक हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि मायोनीज में पहले भी नमक मौजूद होता है। अब चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि सब मसाले अच्छी तरह मायोनीज में मिक्स हो जाएं। हमारी यही कोशिश होती है आपके साथ वही रेसिपी शेयर करें जो घर में आसानी से बन जाए। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह शवारमे के लिए व्हाइट सॉस तो तैयार है। अब हम रेड सॉस तैयार। रेड सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप केचप। केचप में डालेंगे एक खाने का चम्मच चिली सॉस, एक खाने का चम्मच सिरका, एक खाने का चम्मच सोया सॉस, आधे खाने के चम्मच दड़ी मिर्च पाउडर, आधा खाने का चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक हसबे जायका और आधी खाने की चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सॉस बनाना बहुत ही आसान है। आप इस सॉस को पिज्जा पे भी लगा सकते हैं, आप इस सॉस को सैंडविचेस पे भी लगा सकते हैं, शवारमा पे भी लगा सकते हैं। इससे टेस्ट बहुत ही ये देखिए, हमने चिकन को मैरिनेट करने के लिए रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन अच्छी तरह मैरिनेट हो गया और मसाले भी अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। आए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। पैन लेंगे और पैन को मीडियम फ्लेम पर रख देंगे और उसमें 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दें और गर्म होने दें। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो चिकन को बहुत ही एहतियात के साथ डाल दें। चम्मच की मदद से फैला लें ताकि चिकन अच्छी तरह से पक जाए। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं तो कमेंट में जाकर अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। मैं अल्लाह ताला की दिल से शुक्रगुजार हूं कि उसने हमारे हाथों में जायका दिया है और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत नेमतों से नवाजा है। ये देखें, चिकन ने पानी छोड़ दिया है, हमने इसमें कोई पानी नहीं डाला। चिकन को अच्छी तरह से पकने दें ताकि पानी खुश्क हो जाए। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह चिकन का पानी खुश्क हो गया है और चिकन अच्छी तरह से पक भी गया है। आए यहाँ पर हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखें, माशाल्लाह चिकन अच्छी तरह से पक गया है और इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है और खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त। हमने पीटा ब्रेड बाज़ार से मंगवा ली, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ पीटा ब्रेड बनाने की रेसिपी भी शेयर करूंगी। ये बनाना बहुत आसान है। अब हम इसको तल लेते हैं। हमें चाहिए तवा। तवे को हमने हल्की आंच पर रख दिया था और उस पर हल्का सा ऑयल लगा लें और इस तरह से रख दें। जब एक साइड से अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए तो दूसरी साइड पर रख लें। और याद रखें, पीटा ब्रेड को हमेशा हल्की आँच पर ही तलना। इसी तरह बाकी पीटा ब्रेड्स को भी तल लें। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब पीटा ब्रेड्स को अच्छी तरह से तल लिया है। आए अब हम शवारमा बना लेते हैं। पहले ले लेंगे बटर पेपर। बटर पेपर इजीली मार्केट से मिल जाता है और स्क्वायर शेप में इस तरह से काट। बटर पेपर के ऊपर पीटा ब्रेड को इस तरह से रख लें और हमने जो सॉस बनाई थी वो इस तरह से चम्मच से लगा लें। पहले आप इस पर व्हाइट सॉस लगाएं, उसके बाद आप इस पर रेड सॉस लगा लें। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक भी लगा सकते हैं। सॉस लगाने के बाद चिकन को इस तरह से फैला कर डाल दें और जो हमने गाजर
प्याज और खीरा सिरके में डुबो कर रखा था उसको भी इस तरह से फुलाकर लगा ले। उसके बाद आप इसमें एक चम्मच व्हाइट सॉस और एक चम्मच रेड सॉस डालकर बंद कर लें। बहुत ही प्यार से इसको बंद कर लें और बटर पेपर के कॉर्नर से इसको फोल्ड कर रोल करते जाएं। इसी तरह बाकी शवारमा को भी बना लें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए शवारमा तैयार है। आइए मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ ये अंदर से कैसा लग रहा है। ये अंदर से भी बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। ये देखिए माशाल्लाह टेस्टी चिकन शवारमे तैयार हैं। आप इसको केचप और बोतल के साथ खाएं। घर में इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं और साथ साथ मेरे चैनल निगदापी के पकवान को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।